आज उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान युवा प्रबंधक परिषद के तत्वावधान में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का आज छठवां दिन है और प्रतियोगिता का आज समापन भी है। आज की रस्साकसी प्रतियोगिता का जो आयोजन है एसडी कॉन्वेंट स्कूल जी बिचपुरी में रखा गया है और आज की प्रतियोगिता में जो बॉयज का फाइनल है, अब फाइनल चल रहा है होली लाइट वर्सेस देशदीपक बॉयज में और गर्ल्स में होली लाइट पब्लिक स्कूल वर्सेस मदर रोज गर्ल्स इंटर कॉलेज। आज की प्रतियोगिता में अनेक विद्यालय ने भाग लिया, क्षेत्रीय विद्यालय दूर दूर से टीमें आई, उन सब ने भाग लिया और बच्चों में भारी जोश दिखाई दिया और मैं सभी विद्यालय प्रबंधकों से अनुरोध करूंगा कि अगले वर्ष जब आए 2019 में तो आप अपनी अपनी टीमों की तैयारी रखें और परिषद की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लें। बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इस प्रतियोगिता में उन लोगों ने प्रतिभा किया है और बधाई की पात्र वो टीमें हैं जो टीमें विनर रही हैं, लेकिन जो टीमें विनर नहीं रही हैं उनके लिए भी धन्यवाद है कि उन्होंने प्रतिभा किया है और इस साल नहीं तो अगले साल वो लोग विनर रहेंगे। और मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएं और तहे दिल से बधाई है कि वो अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते रहे। आज उत्तर प्रदेश शिक्षण संस्थान युवा प्रबंधक परिषद की तरफ से ये छठवीं प्रतियोगिता रस्साकसी की है और जो सो आप स्वयं देख रहे होंगे बच्चों में उमंग और उत्साह की कमी नहीं है और खास तौर से उनके प्रबंधक और उनके शिक्षक शिक्षिकाओं में भी काफी जो मनोबल उनका बढ़ा रहे हैं बच्चों का और नेक्स्ट जो ईयर आ रही है उसमें और अच्छा प्रतियोगिता का आयोजन होगा। बच्चों की कई प्रतियोगिता में और इस तरीके से अनमोल रत्न प्राप्त हुए हैं, जिस तरीके से भारत को उसी तरीके से आगरा को आगे हम भविष्य में उम्मीद करते हैं। जो एसडी कॉन्वेंट में प्रतियोगिता हुई है और युवा प्रबंधक परिषद के द्वारा जो सहयोग मिला है इन बच्चों को जो निखार आएगा मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाके ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम करें और सभी जो बच्चे विनर रहे हैं इन सभी को मैं बधाई के पात्र हैं, सभी को बधाई देता हूं, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश प्रबंधक परिषद की ओर से जो आयोजित खेल वार्षिक प्रतियोगिता खेलकूद प्रतियोगिता जो चल रही है आज उसका छठवां दिन है और जो यहाँ एसडी कॉन्वेंट स्कूल बिचपुरी रोड पर आयोजित की गई है तो यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ में बच्चों बड़ा जोश दिखाई दे रहा है और मैं उम्मीद करूँगा कि हर वर्ष की बात जो हम 2003 से प्रतियोगिता करवा रहे हैं तो आगामी वर्षों में 2019 में इससे भी और अच्छा हम प्रदर्शन कर सकें और सभी प्रबंधकों से मेरा गुजारिश है कि इससे भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जी आज समापन है बट समापन नहीं है, अगर ऐसे शुरुआत कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बच्चों में एक ललक जगी है बच्चों को आगे बढ़ने की मेहनत करने की और मैं यही चाहूँगा कि सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। जीतना ना जीतना वो दो नंबर की बात है बट पार्टिसिपेशन मस्ट है, वो जरूर करना चाहिए जिससे आज नहीं जीते कल जीतेंगे, मगर कोई बात नहीं है, हार नहीं माननी चाहिए। जो हमारी प्रतियोगिता हुई है 6 दिन की इसका पुरस्कार वितरण नए साल में नई खुशियों के साथ नए उदय के साथ होगा जिससे बच्चे अपने नए साल को और अच्छे से मनाएं, जो जीत के आए हैं वो और अच्छे से आगे बढ़े।